गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह सुबह मैं इससे जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि देखो अभी 6:30 बज गए। आज देखो गाइस मेरे पेपर है और ये बात मुझे कल शाम ही पता चली है। एक दोस्त है मेरा जिसने कल रात मुझे ये एडमिट कार्ड फॉरवर्ड करा। मगर एक प्रॉब्लम है, अब इसे देख के मुझे ये तो समझ में आ गया कि आज मेरा पेपर है मगर किस चीज का यार ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। स्कूल टाइम में कितना आसान होता था ना, सिंपल भाषा में लिखे रहते थे। 18 मार्च हिंदी का पेपर, 20 मार्च इंग्लिश का पेपर। बट इसमें तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई किस चीज का पेपर है, कुछ कोडिंग भाषा में लिख रखा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आज मुझे एग्जाम देने जाना है बहुत ही सालों बाद। कोरोना टाइम पे मेरे एग्जाम तो हो नहीं पाए थे, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया था। बहुत ही सालों बाद मैं आज कुछ लिखने जा रहा हूँ तो सोचा व्लॉग ही बना लेते हैं। अभी मुझे पता नहीं कि मैं इसको पोस्ट करूंगा या फिर नहीं, अगर कर दिया है तब तो फिलहाल बहुत लेट हो जाएगी। मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो गाइस अभी रेडी हो गया हूँ, अब चलते हैं सीधे नौकुचीताल अपने दोस्त को पिकअप करने के लिए जिसने मुझे एडमिट कार्ड भेजा था। पता नहीं क्यों ना आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बल्कि इसलिए नहीं आज मेरा पेपर है बल्कि इसलिए क्योंकि आज कुछ लिखने को मिल रहा है इतने सालों बाद। फिलहाल देखो नाश्ता बनी तो इतनी सुबह हो नहीं सकता, तो मैंने कहा एक सेव लेके चल पड़ता हूँ सीधे, क्या ही करना है। वैसे अभी पहले के मुकाबले ठंडा तो कम हो गया है, लेकिन ठंड की वजह से देखो पूरा कवर सुबह सुबह गीला हो जाता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा होता है रात को। चलो अभी कवर निकाल दिया है, फिंगरप्रिंट लगाता हूँ और खुल जाएगा झटपट। चलो गाइस अभी मुझे निकलना है तुरंत नौकुचीताल के लिए क्योंकि वहाँ पे मेरा दोस्त है जिसने मुझे एडमिट कार्ड भेजा था ना कल शाम, उसी को पिकअप करने जाना है। दोनों का साथ में ही पेपर है, बहुत सालों बाद यार मिल रहा हूँ उससे भी, स्कूल का ही दोस्त है वो भी, तो मजा आएगा। वैसे गाड़ी दोनों का यार एक फायदा तो होता है, चाहे सुबह कितना ही ठंडा हो कितना ही गर्म हो या कितनी ही तेज बारिश हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना गाड़ी के अंदर बैठो आराम से चलते रहो। यहाँ से दोस्तों मुझे नौकुचीताल पहुँचने में लगेगा लगभग 15 मिनट, तो उसके बाद आने में भी 15 मिनट, आधा घंटा वो, और यहाँ से हल्द्वानी जाने में लगभग 45 मिनट्स। आई होप कि 9 बजे से पहले हम लोग वहाँ पे पहुँच ही जाए। चलो अब जल्दी से धराटे काटते हुए चलते हैं नौकुचीताल, सुबह के टाइम पूरी खाली रहती है रोडे। चेक दिस आउट यार गाइस, जो ये बच्चे जा रहे हैं सुबह सुबह स्कूल में, मैं भी ऐसे ही पैदल जाता था, बहुत दूर है यहाँ से मेरा स्कूल यार, मल्लीताल से तल्लीताल पैदल जाना पड़ता था, ये लोग भी अभी पैदल जा रहे हैं। बस एक होप रहती थी कि यार कोई गाड़ी वाला हमको ले जा ले, इससे पूछ लेता क्या भाई स्कूल जा रहा है। ब्रो एस बस स्कूल जा रहे हो पैदल, आ जाओ फिर मैं भी डांट तक जा रहा हूँ। हाँ दोस्त भी है कोई आगे पीछे, और पेपर चल रहा है ब्रो यार। हाँ मैं यूट्यूब पर, मेरे को जानते हो बैच 99 करके ना। अरे हाँ यार, बस अभी यार मेरा भी एग्जाम है आज, मैं तो जा रहा हूँ अभी सबसे पहले नौकुचीताल ना, वरना तुमको पहले स्कूल में उतार देता, बट कोई नहीं तुम मान रहे यार, पहले से मैं भी तो ऐसे पैदल जाता था सुबह सुबह ठंडे में कोट पहन के। ये देखो स्कूल की बसें भी जा रही है। चलो गाइस डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, अभी भैया यहीं पे उतर जाएंगे। ओके ऐसी वीडियो यार, फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारा पेपर है। ओके चलो गाइस अभी हम चलते हैं ऊपर नौकुचीताल में। बोल रहा था कि उसने मेरी फेस रिवील वीडियो देखी थी, तब से जानता है। लो भाई हम लोग पहुंचे गाइस फाइनली नौकुचीताल में, यहीं पे हमको दोस्त मिलने वाला है राहुल शर्मा। यहीं कहीं होना चाहिए राहुल शर्मा, ये तो सामने से आ रहा है। ओह माय गॉड यार, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। हेलो बड़ी व्हाट्सअप, अबे वीडियो कहाँ बना रहे हैं? अरे तेरी मेरी जैकेट से व्लॉग बना रहा हूँ यार। अच्छा हमने कहा पेपर सही जाए ना जाए, पेपर है किसी चीज़ का आज यार, कुछ BAEL ये 301 कुछ ऐसा पता नहीं क्या यार, ये तो मैंने एडमिट कार्ड में ही पढ़ लिया था, बाकी देख लेंगे जो भी होगा यार। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हल्द्वानी अपने कॉलेज के पास, आधे घंटे कितने बज रहे, 8:30 हो रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच गए, आधे घंटे में टेक दी गाड़ी। अब थोड़ा यहाँ से अस्त्र वगैरह खरीदेंगे अपने लिए, पेन वेन है ना एग्जाम में। आर यू एक्साइटेड ब्रो? आई एम वेरी एक्साइटेड ब्रो। बाप रे, गॉड लेट्स गो गाइस। दो ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन, येलो वाला। ओके दो स्केल, दो स्केल भी निकाल दो।
अस्त्रों की पेमेंट हो रही है दोस्तों। लॉ ऑफ अस्त्र नटराज विपिन ओके अच्छा ठीक है आगे लगानी पड़ेगी राहुल गाड़ी। चलो गाइस यहीं पे कॉलेज के सामने पार्किंग मिल गई है बढ़िया हो गया। एक चीज तो रह गई यार थोड़ा मुंह मीठा हो जाए डेढ़ सालों बाद पेपर दे रहे हो भाई ये तो मेन चीज है भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये मिठाई का नाम है काजू बाइट खा के बता कैसी है। अब तुम ये खिला रहे हो तो अच्छी होगी यार। मैं कहा दही तो नहीं यार दोस्त को ऐसी मुंह मीठा करवा देते है ना। नाइस पता है इसका क्या रेट है बाजार में 1000 रुपए किलो। बाप रे 1000 रुपए किलो। चलो यार गाइस अब मुंह मीठा भी हो गया अब जल्दी से पेपर देने चलते हैं। ओह तो ये है तो अभी सबसे पहले हमको ढूंढनी पड़ेगी अपनी क्लास और उससे भी पहले वॉशरूम। भाई एग्जाम बाद में पहले वॉशरूम। अपना वैसे कॉलेज ये नहीं है हमारा यहाँ पे एग्जाम हो रहा है। तो ये है गाइस कॉलेज आई लव MBPG। अब क्या वॉशरूम के अंदर ही आएगा। हाँ अब पेपर देते हैं राहुल भाई 3 घंटे का पेपर है आधे घंटे में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस फाइनली पेपर इज डन अभी चलते हैं। हाउ वाज द पेपर ब्रो। ये क्या बोलते कितना आसान सा आया था यार पेपर भाई। अरे गजब यार सभी नाप दे उधर यार वेरी इजी। लोग परेशान हो गए भाई कितनी सीट लेगा। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं अभी घर को नहीं जाएंगे अभी हम जाएंगे एक कमाल की चीज़ खाने शायद आपने खाई हो ना खाई हो उसको बोलते हैं सॉल्ट के बतासे। तो बस हाँ वो अभी हम खाने जा रहे हैं। हल्द्वानी आए और हम सॉल्ट के बतासे ना खाएं ऐसा कैसा सोचते हो। तुमने खाया कभी सॉल्ट के बतासे। आज खिलाएंगे भाई इसको और देखते हैं हाँ फूड व्लॉगिंग भी हो जाएगी। लेट्स गो गाइस अभी आउट एग्जिट लेते हैं यहाँ से। अभी तो बहुत गर्मी होने लगी ना अभी हम कहाँ पहाड़ से जैकेट पहन के चले हैं यहाँ तो पसीने छूट रहे हैं। आइसक्रीम खा लेते हैं मैंगो मैं तो ऑरेंज खाऊंगा। हेलो व्हाट्सअप। चलो अभी गाड़ी में तो आ गए हैं गर्मी हो रही है बहुत ही भयानक जैकेट खोलो यार। पक्का हो गया यार तू शीशा तो खोल दे मेरे भाई शीशा खोल दे रुको। भाई स्वाद स्वाद भाई पेपर के लिए एक्साइटमेंट हो या ना हो तेरे को सॉर्ट के बताने के लिए होनी चाहिए। जबरदस्त आइटम बटवे की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। चलो भाई लेट्स गो बहुत रश है यार हल्द्वानी में। हेलो व्हाट्सअप। देख ये होता है पानी के बतासे अभी हमको बोलेंगे सॉर्ट के बतासे तो सॉर्ट के बतासे तैयार हो जाएंगे। ये सॉर्ट के बतासे लगा दो एक प्लेट सीख पिएगा। मैं पीऊँगा स्ट्रॉबेरी और भाई पिएगा वनीला। वनीला बोलने अभी असली आइटम तो आया ही नहीं है सॉर्ट के बतासे। 11 बजे तक हमारा पेपर था पता नहीं क्या क्या मिला दिया आज तो इसमें। ये पूरे नैनीताल भीमताल नौकुचीताल कहीं नहीं मिलता ये आइटम यहीं पे मिलता है हल्द्वानी। तो अभी ट्राई करवाते हैं भाई को। है ये पानी के बतासी बट इसमें ये थोड़ा वो डालते हैं चटनी वगैरह दही वगैरह। ये आज तो शायद चुकंदर डाला गया इन्होंने। चुकंदर की जगह जब अनार होता ना अनार का दाना तो ज़्यादा मज़ा आता है। What's next? भाई वैसे आज तक सिनेमा हॉल नहीं गया है। चलो अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से सिनेमा हॉल के लिए भाई को पिक्चर दिखाते हैं और मौज करते हैं। चलो गाइस पहुँच गए सिनेमा हॉल में और अभी हम जाने वाले हैं लिफ्ट में। भाई तेरा लिफ्ट में फर्स्ट टाइम है क्या। चेकिंग भाई असला बारूद तो नहीं है ना। भाई चक्कर तो नहीं आ रहा ना थोड़ा ऐसी लगता है इसमें। लिफ्ट में जाने का अलग ही मजा है भाई। एक मूवी लगी है 65 और एक लगी है ये रणबीर कपूर। भाई कौन सी देखेगा ये देख ले भाई। तो भाई कैसी लगी मूवी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मूवी। तो मूवी तो गाइस सही बता दूं उतना मजा नहीं आ पाया बट दोस्तों के साथ तो मजा ही आता है। एक्सपीरियंस अच्छा था। एक्सपीरियंस अच्छा था और बैकग्राउंड से आवाजें आ रही थी बीच बीच में। वो तो अभी लंच के लिए रुक गए हैं याद ही नहीं थी लंच की। है तो भाई खाना आ चुका है। ये है पहाड़ी खाना आलू के गुटके और रायता। और भाई ये है हमारी थाल।
यो जो हम अल्ले यो खनियो यथे कुनी पहाड़ खान। हाँ तो ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए, यही अपना खाना है। सबसे मज़ा है ना आलू का गुटखा और रायता भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। ऐसा ये आलू में हो थोड़ा सा रायता और जो राई लगती है नाक में खाने वक्त आए है। बहुत कड़क है और हल्का हल्का देखो फूल गोभी भी दे रखी है जो मेरी फेवरेट है। स्वाद असली है रायता लेकिन रायता नहीं, आलू और ये डेडली कॉम्बिनेशन गाइस, आलू रायता चसा पहन के खाना खाया जा रहा है, फुल स्वैग, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई यार आखिरकार भात भी आ गया, अब खाएंगे हम दाल भात। तो हाथ वगैरह धो लेते हैं और भाई यहाँ का व्यू देखो क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। ओ सामने है हल्द्वानी, बढ़िया भोजन भी हो गया दोस्तों। अब प्रस्थान करते हैं नौकुचे ताल के लिए, अपने दोस्त को नौकुचे ताल ड्रॉप करते हैं। तू जंजा है बाजारा चलो दोस्तों। तो अभी नौकुचे ताल पहुंच गए, भाई को भी अलविदा कहते हैं, कल से मेरे फिर ही मिलना है दोबारा नया पेपर नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके ब्रो आज का दिन कैसा रहा, बढ़िया रहा? बहुत बढ़िया है। ओके मिलते हैं फिर कल। ओके ओके कल सुबह मिलते हैं। ओ बारिश आने लग गई दोस्तों, पर की फर्क पैंदा है, हम तो गाड़ी में जाएंगे ना। यहाँ पर तो बहुत तेज बारिश आ गई अचानक से। सही गाइस बर्फ तो नहीं पड़ने वाली है क्योंकि इस साल ना पहाड़ों में से बर्फ नहीं पड़ी है और मेरे सर्दा तो खुद मैंने आज तक कोई बर्फ नहीं देखी है पहाड़ों में रहने के बावजूद। लेकिन अगर इस साल पड़ती है तो जरूर देखने जाएंगे। क्या आप लोग उसका ब्लॉग देखना पसंद करेंगे गाइस, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मैं निकलता हूँ सीधे अपने घर के लिए, ऐसे थोड़ी दूर पे मेरा घर है। ओनर गाइस तो अभी पहुँच गए हैं घर के लोकेशन पे, अब यहाँ से दौड़ लगानी पड़ेगी जल्दी से वरना भीग जाएंगे। ओ भाई खिचड़ी खिचड़ी जल्दी चलो भाई पहुँच गए। ओके तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, वैसे व्लॉग है वीडियो नहीं है। हाँ अगर आपको पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।